तो गाइस आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 खत्म हो चुका है, लेकिन जो शो से जुड़े हुए कंटेस्टेंट्स हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई कई तमाम जो चीजें हैं वो अभी भी यू नो सामने आ रही है। फैंस काफी ज्यादा हैरान हैं और इसी बीच अब साई केतन राव की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा राज सबके सामने आ गया है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। हम सब जानते हैं जो साई केतन राव है वो अपनी फ्रेंड को यू नो शो में इंट्रोड्यूस कराते नजर आए थे जिसका नाम है शिवांगी। कहीं ना कहीं फैंस को लगा था कि शिवांगी को डेट कर रहे हैं साई केतन, और साई केतन ने भी इस तरह का हिंट फैंस को दे दिया था। अनिल कपूर ने भी जब शादी पर साई से सवाल किया तो ऐसा लग रहा था कि साई ने नेशनल टेलीविजन पर शिवांगी को प्रपोज कर दिया है शादी के लिए। पर गाइस अब शो खत्म हो गया है और जब टॉप 5 में पहुंचने के बाद साई केतन राव जब शो से बाहर हुए उस वक्त तो उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया, लेकिन अब शो के यू नो फिनाले के 6 दिन बाद साई ने मारी है पलटी और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भाई शिवांगी को दे दिया है धोखा। ये धोखा ऐसा है कि भाई शिवांगी की भी आंखें फटी की फटी रह गई होंगी, क्योंकि साई केतन से जब पूछा गया कि शिवांगी से कब कर रहे हो तो शादी, तो उन्होंने कहा कि भाई शादी तो होगी लेकिन शिवांगी से होगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा मैंने और ऐसा तो मुझे नहीं लगता। जी हाँ, उन्होंने साफ तौर पर शिवांगी को गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि अपना खास दोस्त बताया है और फैंस को चौंका कर रख दिया है। और अब लोग यही कह रहे हैं कि जो साई केतन राव है उन्होंने फिनाले के बाद पलटी मार दी है और वो अब कहीं ना कहीं अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। आखिर क्यों किया है साई केतन राव ने शिवांगी के साथ ऐसा, ये देखना दिलचस्प होगा। आप लोगों की क्या राय है, क्या है कहना, मुझे आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।